अब फाइनली मैंने आपको वोट सामने सरेंडर किया है। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब रेफरेंस और इंक्वायरी में अबूरी जमानत के लिए शर्जील मेमन अदालत पहुंचे तो पहले कैंटीन में हलवा पूरी से नाश्ता किया। अदालत ने अबूरी जमानत 20-20 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की जो उन्होंने जमा करवा दिए। जमानत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन का कहना था कि नवाज शरीफ या चौधरी निसार का इंसाफ नहीं माना जाएगा। चौधरी निसार या नाम निहाद नवाज शरीफ ने इंसाफ करना है तो उनके इंसाफ को कोई नहीं मानेगा। इंसाफ के लिए जो मुल्क का कानून है सब उस कानून को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर आसिम की जमानत को डील करार देने वालों के अल्फाज को शर्मनाक और तौहीन अदालत करार दिया। कुछ नाम निहाद सियासतदान डील का तासुर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए ये शर्मनाक बात है। शर्जील मेमन का कहना था कि अब नवे की दहाई की सियासत नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग नवाज को लड़ना है तो सामने आए, इदारों के पीछे छुपकर ना लड़े।